सब बोल रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगाने वाला लेकिन अभी उनको पता चला कि ये अपने को गुमराह करने की कोशिश अपोजिशन वालों ने की बटेंगे तो कटेंगे नारे के बारे में आपने विरोध किया है मैं देख रहा था मैंने पहले से सौरभ जी देखा है कि हमारे साउथ में ऐसा नहीं चलता ये ऐसा बोल रहा है इसके बारे में क्या है वो ऐसा बोल रहा है मुझे कुछ उसके बारे में लेना देना नहीं है मेरा काम चालू है क्या ये अजीत पवार के लिए एक डू और डाई इलेक्शन है ऐसा नहीं सकता कभी डू और डाई 2019 की बैठक में अडानी साहब भी आपके साथ थे और रोज साथन दिया है पर रोज विपक्ष कह रहा है कि अडानी साहब से ताल्लुक मुझे सरकार की मीटिंग में क्यों थे उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है वो बिल्कुल नहीं थे वो क्लैरिफाइड अभी कितने दफा होता हूँ क्या स्टाइम पे लिख के जो आदाब नमस्कार हमारे साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सर हैं एनसीपी के प्रमुख हैं और चुनावी मैदान में हैं दादा कैसी तैयारी चल रही है खूब ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है सुबह साढ़े पाँच बजे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हेक्टिक है स्केड्यूल आपका कैसी तैयारी चल रही है क्या हुआ है अभी खाली तीन दिन बाकी है तो जब आखिरी दिन आते हैं तो थोड़ा बहुत आ, हमारे कैंडिडेट भी बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ रैली होनी चाहिए रैली होनी चाहिए फिर आप जैसे लोगों के साथ भी सौरभ जी आ, टाइम देना पड़ता है तो ये सब आ, करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और देर तक ये सब चलता है लेकिन आदत हुई है क्योंकि आज ही मैं ये नहीं कर रहा हूँ करीबन मैंने थर्टी थ्री साल हो गए मैंने शुरुआत की थी एज मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के नाते तो तब से ये सिलसिला चालू है क्या आज नहीं है एक है इस चुनाव के वक्त हमारे ऊपर पार्टी के लोगों ने हमारे सब नेताओं ने ज़्यादा जिम्मेवारी डाली है हम पार्टी के प्रमुख के नाते वो जिम्मेदारी निभाने की पूरी मेरी कोशिश है एनसीपी आप लीड कर रहे हैं लोकसभा के नतीजे आप लोगों के फेवर में नहीं रहे महायुति के फेवर में नहीं रहे आप लोगों ने लोकसभा से विधानसभा चुनाव में क्या चीज़ें ऐसे करी हैं जो आपको लगता है कि कुछ कमियाँ थी कुछ गलतियाँ थी जो आपने सुधारा है ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था दलित कंसोलिडेशन मुस्लिम कंसोलिडेशन ये सब कुछ आपके फेवर में नहीं रहा तो विधानसभा चुनाव में आपने क्या सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं लोकसभा के चुनाव के पॉइंट सिक्स परसेंट वोट हमें कम मिले तो भी हमारे बहुत से सीटें गिरी खाली डिफरेंस था पॉइंट लेकिन ठीक है जब हम लोग डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो ये सब सबके सामने आपको जाना ही पड़ता है तब हमारे महाराष्ट्र में प्याज एक्सपोर्ट बंद था महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में था प्याज के किसान महाराष्ट्र में ज़्यादा है हमारे यहाँ छः सात डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत है नासिक अहमदनगर अभी अहिला नगर नाम हुआ है फिर पुणे सतारा सोलापुर ये जो बेल्ट है इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा प्याज उगाने वाले हमारे फार्मर्स हैं और वो फार्मर्स बहुत परेशान थे क्योंकि एक्सपोर्ट बंद होने के कारण रेट बहुत नीचे आए थे अभी ये हमने सुधारा है एक्सपोर्ट चालू किया है दाम में बहुत अच्छे हमारे फार्मर्स को मिल रहे और प्याज के फार्मर्स तो अब नाराज़ नहीं है नंबर एक नंबर दो उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया संविधान बदलने वाले फिर आ, रिजर्वेशन निकालेंगे फिर जो अपनी घटना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए उसके बारे में भी कुछ चेंजेस करेंगे और यह सब करते हुए वो ये एक कानून का चालू था केंद्र कें, सेंट्रल में तो उससे ऐसा फेक नैरेटिव सेट किया कि माइनॉरिटी को यहाँ के हटाने के लिए बाहर निकालने के लिए उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने के लिए बाहर भेजने के लिए ये कानून ला ला रहे ऐसा सब सिचुएशन तैयार की थी अभी पाँच महीने हो छः महीने हो गए उनको समझ में आया है कि संविधान के बारे में ये गवर्नमेंट कोई भी नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है हमने न्याय देवता के हाथ में एक संविधान दिया है हमने यानी सेंट्रल ने उसकी पट्टी थी वो निकाली है और हमेशा संविधान के बारे में जो भी बातें होती है वो बातें बहुत रिस्पेक्टफुली कर देते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर ने तीसरी दफ़ा प्राइम प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ली उसमें भी आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले संविधान को आ, अब अब दर्शन लिया सर पे लगाया और फिर बाद में उन्होंने शपथ ली तो ये फेक नैरेटिव था सबको पता चला कि रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं घटना बदलने का कोई सवाल नहीं लेकिन वो आपके बार 400 पार आपके पार 400 पार तो अपोजिशन ने पता है कि इनको 275 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के क्लियर मेजॉरिटी के लिए थोड़ा और ज़्यादा तीन सौ तीन सौ तो दो दफ़ा इनको मिली है टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड नाइनटीन को इनको किस लिए चाहिए इनको यह सब चेंज करना है किसी ने माइनॉरिटी को डराने के लिए ऐसा भी फेक नैरेटिव सेट किया कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद खाली हिंदुओं को ही यहाँ वोट डाल। वोट वो डालने का अधिकार रहेगा ऐसे बहुत कुछ सौरव जी किया और वो परक्यूलेट हुआ नीचे हम सब बोल रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगाने वाला लेकिन अभी उनको पता चला कि ये अपने को गुमराह करने की कोशिश अपोजिशन वालों ने की आप कुछ बातें रिपीटेडली बार बार कह रहे हैं कौन सी जैसे आ, बटेंगे तो कटेंगे नारे के बारे में आपने विरोध किया है मैं देख रहा था आपने 10 परसेंट मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए हैं 10 परसेंट महिलाओं को भी भागीदारी दी है बटेंगे कटेंगे के नारे का आपने खुल के विरोध किया है लेकिन कल भी योगी जी यहाँ थे उन्होंने फिर ये नारा दिया है कि कटेंगे तो बटेंगे नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएगा तो आप कुछ ना कुछ आप भी फीडबैक देते होंगे ऊपर के स मत करिए सौरभ जी हम हमारा काम करते हैं ये देखो अभी बाकी सभी का जो भी चुनाव के वक्त पब्लिक रैलियाँ ले रहे उसमें सबने डेवलपमेंट का विषय सबके सामने रखा है अभी वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मैंने पहले से सौरभ जी देखा है कि हमारे साउथ में ऐसा नहीं चलता हमारे महाराष्ट्र से जब शुरुआत हो जाती है तब शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू महाराज डॉक्टर बाबू साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी विचारधारा उनके रास्ते से हमारा महाराष्ट्र सालों से आगे जा रहा है तो ये ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं वो महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा मेरा कहना है दूसरे बीजेपी के भी कोई लीडरों ने मुझे बताया किसी ने मैं तो सुबह से देर तक मेरे काम में बिजी रहता हूं लेकिन किसी ने बताया कि पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया अशोक चौहान साहब ने भी विरोध किया नितिन गडकरी जी ने भी नितिन गडकरी जी ने विरोध किया तो ये सब है ना आखिर कोई लीडर आता है और वो बोल देता है यानी सबका वही सोच है इससे समझने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपको भी जज करते हूँ कि आप बीजेपी के साथ हैं जैसे नवाब मलिक साहब को टिकट दिया हम सब ने देखा आप बात भी कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल हुई पूरा खुल के विरोध किया बीजेपी ने उसका फडनवीस साहब ने विरोध किया नवाब मलिक साहब को कहते हैं कि इनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है दाऊद से कनेक्शन है फिर भी आपने अपने कहे अनुसार वो टिकट दिया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप जब जब ऐसी बातें होती हैं जब तक किसी के ऊपर एलिगेशन होने के बाद वो सिद्ध नहीं होता तब तक उनको दोषी ठहरा बिल्कुल गलत है ऐसा मेरा खुद का कहना है कल एक इंटरव्यू था देवेंद्र फडणवीस साहब का आज या कल मैंने देखा एक राष्ट्रीय चैनल में उनसे पूछा एंकर ने कि अजित पवार साहब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी अजित पवार साहब जिस विचारधारा से आए हैं अशोक चौहान साहब जिस विचारधारा से आए हैं वो अभी कुछ बाकी है तो ये ये सूडो सेकुलरिज्म है ये, ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा उनका बयान उन्होंने बताया होगा वो अलग बताएंगे उनकी सोच अलग है मैं सरोज आपको रिक्वेस्ट करूंगा अभी मेरे हाथ में तीन चार दिन है ये ऐसा बोल रहा है इसके बारे में क्या है वो ऐसा बोल रहा है मुझे कुछ उसके बारे में लेना देना नहीं है मेरा काम चालू है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ये शिव शाहू फले अम्बेडकर विचारधाराओं से चलने वाला कल भी था आज भी हूँ आगे भी रहूँगा ऐसा बार बार बोल रहा हूँ अभी इतने लोग हैं इतने लीडर हैं अभी बहुत से एंकर भी है बहुत से चैनल भी है सबका सवाल पूछने का तरीका इंटरव्यू लेने का तरीका अलग अलग रहता है हमारा जवाब तो एक ही है हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं जाएंगे आप अपनी लोग कहते हैं कि अजीत पवार साहब की भी एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुई है किस? और एक, एक इंटरव्यू में आपने भी कहा कि आइडियोलॉजी क्या होती है सत्ता भी ज़रूरी है आना नहीं सत्ता नहीं, वैसा नहीं वैसा नहीं।, नहीं वैसा नहीं आप क्या होता है कुछ एक ही सब क्लियर इंटरव्यू नहीं देखते कुछ तो एक वर्ड लेते हैं और आपने ऐसा कहा ये देखो हमारे महाराष्ट्र में 85 के बाद एटी फाइव के बाद इतने साल हो गए करीबन 40 साल होने के लिए आए कभी एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं आया कभी भी एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं आया खाली महाराष्ट्र ऐसा होगा और ज़्यादा करके केरल होगा ज़्यादा करके नहीं तो सभी स्टेट में अकेले पार्टी का गवर्नमेंट रहता है चीफ मिनिस्टर बनता है उसका राज चलता है गवर्नमेंट चलता है हमारे यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शिव शाहू फुले आम्बेडकर की विचारधारा इतनी मजबूत है कि वो विचारधाराओं के ऊपर चलने वाले लोग यहाँ ज़्यादा हैं और हमें भी वो विचारधारा पसंद है उस विचारधारा से हम आगे जा रहे हैं लेकिन 2019 में शिवसेना की विचारधारा अलग है कांग्रेस राष्ट्रवादी की विचारधारा अलग है तो भी गवर्नमेंट चलाया अढ़ाई साल चलाया कॉमन विनिम प्रोग्राम किया उसी के ऊपर गवर्नमेंट चलाया तो आपने सब ने देखा पूरे देश ने देखा उसके बाद कुछ चेंजेस हुए एक नाथ जी शिंदे साहब ने कुछ निर्णय लिया और फिर बीजेपी शिवसेना का गवर्नमेंट आया और फिर मैं उनमें शामिल हुआ ये हमारे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए हमारे जो विधायक साथी थे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले तो इस पाँच साल में साल डेढ़ साल कोरोना में गया एक साल हम अपोजिशन में थे अढ़ाई साल इसमें गए खाली अढ़ाई साल हम पावर में रहे तो उसमें जितना भी हो सके उतनी हमारी कोशिश अच्छी तरह से अपने स्टेट को आगे जा लेके जाने का और अपने अपने जो कॉन्स्टि रहती है उसमें काम करने का उसमें डेवलपमेंट करने का ऐसा हमने काम किया अब मैं पोलिटिकल सवालों पर आता हूँ जो आपका इलाका है आपके एरिया में ज़्यादातर साइटों ज़्यादातर सीटों में आपका सीधा मुकाबला एन सी पी शरद पवार से है और वो हर स्पीच में या उनके लोग या उन, उनके नेता चाहे सुप्रिया जी हों सब हों वो लोकसभा चुनाव में भी वही नैरेटिव था कि गद्दारी की हमें धोखा दिया अभी भी गद्दारी की हमें धोखा दिया ये नारेटिव लोकसभा में कहीं ना कहीं आपके खिलाफ गया अभी आप कैसे देख रहे हैं हमने कि हमने, हमने पुछ पुछ नहीं किया। पार्टी हमारे साथ है सिंबल हमारे साथ है उसके बारे में को सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है तो भी असेंबली स्पीकर ने हमें पार्टी और सिंबल पार्टी का ये इनका कहना ठीक है क्योंकि मेजॉरिटी हमारे साथ थी पूरे विधायक हमारे साथ थे सब विधायकों ने तय किया था और ये सब साहब को बताया था साहब ने कहा कि ठीक है आपको सब ऐसे बोलते हैं तो आप करो लेकिन बाद में वो हुआ नहीं उसके अलग 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 कारण हैं वो बता कर मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे आगे भी जाना है मुझे उसके बारे में इतना ही कहना है कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को रिस्पेक्ट दे जाता है और हमने वैसा कुछ नहीं किया वो कुछ भी एलिगेशन करे उसमें कोई तथ्य नहीं है लोकसभा चुनाव में पवार वर्सेस पवार आप कहते हैं सुले वर्सेस पवार था उसमें वो पवार फ्रैक्शन जीता इस बार फिर आपके सामने आपके नेफ्यू हैं और वो कैंडिडेट पहले शायद आपका अनाउंसमेंट हुआ बाद में उन्होंने अनाउंस किया आ, फिर वही कि आप पहले बाकी जगह भी लड़ना है फिर फैमिली में भी डिस्प्यूट इलेक्टोरल डिस्प्यूट वो भी एक चीज़ है ओ, हमने सब सोच कर आगे जा रहे जो हुआ सो हुआ उसके बारे में अभी हम ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी चार ही दिन बाकी है वो उस उनके हिसाब से चलते मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ क्या ये अजीत पवार के लिए वैसे आप इतने आपने बताया कि तैंतीस साल से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं क्या ये अजीत पवार के लिए एक डू और डाई इलेक्शन है ऐसा नहीं सकता कभी डू और डाई आ, बहुत से आप आज तक हिस्ट्री देखी होगी देश स्वतंत्र होने के बाद बहुत दफ़ा अप एंड डाउन अप एंड डाउन हर के बारे में आए हैं आपको पता होगा 2019 में यहाँ कांग्रेस का एक एमपी आया था एक एमपी और अभी उनके तेरह आए तब बोल रहे थे अभी कांग्रेस का कुछ अच्छा नहीं है कांग्रेस खत्म का हो गई है वैसे एक ज़माने में बीजेपी के दो एमपी पूरे देश में आए थे बाद में उन्होंने गवर्नमेंट लाया मेजॉरिटी से उन्होंने वाजपेयी के टाइम पे भी सरकार इंडिया का चलाया और अभी भी मोदी साहब इंडिया का गवर्नमेंट चला रहे तो ऐसा चलता है बहुत ज़्यादा सोच पॉलिटिक्स में कोई तो जीतता है कोई हार जाता है लेकिन सबको आगे काम करना ही पड़ता है नवाब मलिक साहब ने कहा कि कुछ भी हो किंग मेकर अजीत पवार साहब रहेंगे हम किंग मेकर रहेंगे उनका खुद का कहना है मैंने कहा ना जितने भी लोग रहते उनका अलग अलग सोच रहती है वो वही हिसाब से सोचते लेकिन मैं इतना ही मेरे आगे टारगेट है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तब हमारे महायुति के 175 से ज़्यादा सीटें कैसे आ सकती है उसके बारे में हम पूरे काम पे लगे हैं और हम सब उसके लिए रैलियाँ ले रहे प्रचार कर रहे जो भी हमारे ऊपर जिम्मेवारी वा रहे आखिरी सवाल मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना लाजमी है क्योंकि वो लगातार हेडलाइन और सोशल मीडिया पे विपक्ष ने इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और रोज बना रहे हैं वो जो एक और इंटरव्यू चूंकि आप बोल रहे हैं कि उन इंटरव्यूज में एक इंटरव्यूज में आपने कहा कि दो की बैठक में अडानी साहब भी आपके साथ थे और रोज वैसे आपने क्लैरिफिकेशन दिया है पर रोज विपक्ष कह रहा है कि अडानी साहब से ताल्लुक सरकार की मीटिंग में क्यों उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है वह बिल्कुल नहीं थे मैं बार बार बोल रहा हूँ वो नहीं थे छः सात जगह मीटिंग अलग अलग टाइम पे हुई एक गेस्ट हाउस में हुई वो अडानी जी का गेस्ट हाउस था बहुत दफ़ा कोड ऑफ कंडक्ट रहता है तो कोई ऐसे रिक्वेस्ट करके गेस्ट हाउस यूज़ करते हैं लेकिन वो एज अ इंडस्ट्रीज के नाते ये मीटिंग में बिल्कुल नहीं थे वो क्लैरिफाइड अभी कितने दफा का हूँ गेस्ट टाइम पे लिख के दो या क्योंकि आपने कहा है ठीक है ये भी आपने क्लियर क्लियरिफाई कर दिया शरद पवार जी से कभी बात होती है ते होली ते त्योहार त्योहार बिल्कुल नहीं वो उनके काम में बिजी रहते मैं मेरे काम में बिजी रहता हूँ थैंक यू दादा थैंक यू आपने टाइम दिया हमें आपको आगे कैंपेन भी करना है तो अजीत पवार साहब को सुनी लिया है आप लोगों ने और उन्होंने साफ कहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि तेईस तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सरकार महायुति की बनेगी थैंक यू थैंक यू